एग्जाम हो या टेस्ट, स्कूल हो या कॉलेज, हम हर जगह फास्ट लिखना चाहते हैं। अक्सर एग्जाम या टेस्ट में हमें आंसर्स याद तो होते हैं पर हम फास्ट नहीं लिख पाते, जिस वजह से हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और हमें मार्क्स कम मिलते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर होने वाली है। तो आज का ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना, तभी आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ पाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो फास्ट लिखे, उसकी राइटिंग की स्पीड इतनी ज्यादा हो कि कम टाइम में वो ज्यादा लिख पाए। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपकी राइटिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होने वाली है। आज का ये टिप्स जानने के बाद टीचर्स भी आपसे इम्प्रेस होने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में किसी भी काम को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हमारा स्किल्स उतना ही ज्यादा परफेक्ट होते जाता है। कोई भी इंसान जन्म से परफेक्ट नहीं होता है, उसे इस दुनिया में बहुत सी चीजें सीखनी पड़ती है और उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी वो किसी काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो पाता है। इसी तरह हमारी राइटिंग भी है। हम जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, राइटिंग की स्पीड होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे मजेदार टिप्स जिससे आपकी राइटिंग की स्पीड बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने बॉडी पोस्चर को सही रखना है। अगर आपका बॉडी पोस्चर गलत होगा तो आप ज्यादा समय तक नहीं लिख पाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग की स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है। टिप नंबर 2, आपको लाइट वेट वाला पेन यूज करना है, मतलब कि ऐसा पेन जिसका वजन ज्यादा ना हो, और पेन वैसा ही चूज करें जिससे आप हमेशा लिखते हैं। टिप नंबर 3, लिखते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने पेन पर ज्यादा प्रेशर तो नहीं दे रहे। दोस्तों, आपको अपने पेन पे नॉर्मल प्रेशर देना है। ज्यादा प्रेशर देने से या फिर बहुत लाइटली पकड़ने से आपकी राइटिंग खराब हो सकती है और आप स्पीड भी नहीं लिख पाएंगे। टिप नंबर 4, आपको अपने पेन के कैप को पेन के ऊपर नहीं लगाना है, इससे पेन का वेट ज्यादा हो जाएगा और इससे आपकी राइटिंग की स्पीड पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। टिप नंबर 5, आपको डेली लिखना है और जितना पेज आप लिखेंगे उसका आप टाइम ड्यूरेशन भी नोट करेंगे और फिर अगले दिन आपको कोशिश करनी है कि पिछले दिन के टाइम ड्यूरेशन से आज कम टाइम में लिख सके। दोस्तों, ये 5 ऐसे टिप्स है जिससे आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है, पर ये तभी पॉसिबल है जब आप इसे हर दिन फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी भेजिए जिनकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, और कमेंट में हमें बताइए कि आज से आप कितना टाइम लिखने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं।